आप सभी छात्रों का हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन, ए डबल डी आई थ्योरम, एक रेंडम एक्सपेरिमेंट से संबंधित हो, एसोसिएटेड का मतलब हो गया संबंधित। तो रेंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे दो पत्ता को उछाले, ताश के गड्ढी से दो ताश घीट का पत्ता खींच लिए और सारा भीतर सिक्का उछाले, एगो उछाले, दोगो उछाले, तीनगो उछाले, तब ये सब जो कहलाया रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी रेंडम एक्सपेरिमेंट से अगर संबंधित कोई दो घटना ए और बी है, तब कहा घटना ए घटे या बी घटे, चाहे दोनों साथ साथ घट जाए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कहा कि ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा कहा कि अब इसका प्रूफ इलेवन के क्लास में देंगे, अभी ट्वेल्थ का क्लास चल रहा है, इसका पूर्व समझाने लगेंगे तो ट्वेल्थ तक पहुंचने में बहुत परेशानी है। इलेवन वाला आपके आप खोल करके प्ले लिस्ट से देखिए, नोट में कहा आगे बढ़ जाएंगे। तो अब मान लो ये थ्योरम है, इसको अब यहाँ समझाते हैं एग्जाम्पल देकर। अब मान लो कि हम कहे एक पासा हाथ उछाले, टॉस ए जाए, जब कोई पासा उठा लेंगे तो इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इससे दो इवेंट बनाओ, ये पहला इवेंट कहता है 1, 2, 3 और 4,
दूसरा इवेंट भी बना, इसमें लिख दिए 4, 5, 6, ये 4 मान लो ये 3, 4, 5 और कहा कि घटना है 4 या 4 से कम आए, की घटना है 3 या 3 से अधिक आए। तो अब कहा हेयर एन एस हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, इसमें आ गया 6। एन ए इज इक्वल टू, इसमें कै गो है 4। एन बी इज इक्वल टू, इसमें भी है 4। तो देयर फोर पी ए, तब तो ये हो गया एन ए और बाय एन एस, तो ए में कै गो है तो 4 गो और सैंपल स्पेस में तो 6 गो, ये हो गया 2 बाय पी बी, तो ये हो गया एन बी और बाय एन भी तो 4 गो है कि हो गया 4 बाय 6, ये भी आ गया 2 बाय 6। अब ए यूनियन बी निकाल के देखो, ए यूनियन बी है 1, 2, 3, यूनियन बी है 3, 4, 5 और यूनियन भी इसका हो या इसका हो या दोनों का हो, मतलब दोनों का एलिमेंट मिला करके बताना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कौन आता है तो विच इज कॉमन टू बोथ, जो दोनों में कॉमन हो तो वो आ गया इंटरसेक्शन 3, 4, 5 और इसमें कॉमन में कौन कौन आया तो 3, देयर फोर एन ए यूनियन, इसमें कई वो है 6 इंटरसेक्शन भी, तो इसमें आ गया कै गो तो 2 गो, तो देयर फोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हो गया एन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय एन एफ, तो एन ए यूनियन बी में कितना है तो 6 और एन एफ में कितना है तो बी है 6, ये हो गया 1। ए इंटरसेक्शन बी, तब से ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी और बाय एन एस। तो अब देखो इंटरसेक्शन में कई गो एलिमेंट है तो 2 गो, ये हो गया 2 बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3। अब यहाँ से तो हम कहे कि पी ए यूनियन किसके बराबर है तो निकालो ना, यहाँ लिखे पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसी जी पर तो पी ए आ गया कितना तो 2 बाय 3, पी बी कितना आया तो ये भी है 2 बाय 3 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो ये कितना है तो 1 बाय 3। तो यहाँ से देखो एलसीएम से 3 आ रहा है, 2 प्लस 2 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 हो गया 3 और नीचे भी 3 तो देखो 1, तो ये पी ए यूनियन बी कितना है तो ये बराबर हो गया पी ए यूनियन
देयरफॉर इसलिए फार्मूला बना दिया कि ए यूनियन बी आ गया पी ए यूनियन बी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आगे हम कहे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर हो तो व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो कहा कि ऐसा घटना जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आए तब इसको कहते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हिंदी में इसको कहे परस्पर अपवर्जी घटना। तो इसमें क्या करूँ कि वन टू थ्री ये रहने और इसमें क्या करूँ कि फोर फाइव सिक्स रहने। तो यहाँ अब क्या देख रहे हैं देयरफॉर ए यूनियन बी अगर निकाले तब तो ये हो गया वन टू थ्री यूनियन फोर फाइव सिक्स ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसका हो गया इसका और ए इंटरसेक्शन बी कभी हो गया वन टू थ्री इंटरसेक्शन फोर फाइव सिक्स। तो अब देखो जो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हो गया फाइव। तो देयर फोर से यहाँ लिख देंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एम यू टी यू ए डबल एल वाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ई एल यू एस आई। इसको हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ते थे डिस जॉइंट सेट। तो यहाँ डिस जॉइंट इवेंट्स भी लिख देंगे कि चलेगा। तो दे आर फोर तो अब हम लोग ना पी ए निकाल के देखो पी ए कितना आ गया एन ए बाय एन एस। तो यहाँ ए में कितना एलिमेंट है तो यहाँ एन ए है तुम्हारा थ्री एन बी इज इक्वल टू तो ये भी आ गया थ्री एन ए हो गया थ्री और एन एस है सिक्स हुआ है तो लिखना चाहो तो लिख देना कि एन एस इज इक्वल टू तो ये हो गया थ्री बाई सिक्स वन बाई टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अगर निकालते हैं तो एन बी बाई एन एस तो इसमें भी तो तीने को है तो थ्री बाई सिक्स ये भी आ गया वन बाई टू। अब यहाँ देखो क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी पूछेंगे तो जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसको कहे नल सेट एम्प्टी सेट या नल सेट। तो ये इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो हो गया जीरो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहीं तो हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी जीरो बाई सिक्स किया गया जीरो ए यूनियन बी कितना हो गया तो एन ए यूनियन बी बाई एन एस। ए यूनियन बी में देख रहे हैं कि छः का छः आ रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हो कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू सिक्स तो ऊपर भी सिक्स नीचे भी सिक्स हो गया वन। तो देखो जो अब जोड़ करके कि ना पी ए प्लस पी यू इक्वल तो पी ए कितना आया वन बाई टू ये भी वन बाई टू तब भी हो गया टू बाई टू तो वन। अब इसमें जो घटाएंगे तो वो तो जीरो है ए इंटरसेक्शन बी इसलिए कहा कि जब भी घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो
तब पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? यानी कि पी ए यूनियन, तो जब भी घटना कहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस अवस्था में कहे पी ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, तो पी ए प्लस बी, बस इस दोनों के जोड़ के बराबर जीरो आता है। अब थोड़ा तीन को समझाने से पहले कुछ बात और समझाने को तब दूसरा बात इसमें जो है ये समझने के लिए ये कहा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो गया कि घटना ए घटित तो हो लेकिन बी घटित नहीं हो, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ई हो गया पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन क्योंकि हम लोग लिखते हैं कि ए माइनस पी इज इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा देख लो का है होता है। तो अगर इसमें सिंपल एस पेस एस लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ए बराबर ले लो 1, 2, 3 बी बराबर ले लिए 4, 5 और 6 तो यहाँ देखेंगे देयर फोर ए माइनस बी निकाले तो 1, 2, 3 माइनस बी है 4, 5 और 6 ए का ये सभी एलिमेंट जो बी का एलिमेंट नहीं है और इसमें है तो हटा दो तो बचा कौन, तो 1, 2, 3। अब यहाँ से देखें अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कहा कि सिंपल स्पेस के हुए सभी एलिमेंट जो बी के एलिमेंट नहीं है, इसलिए निगेशन ऑफ बी पढ़ते हैं तो घटना भी नहीं घटी, तो ये हो गया सिंपल स्पेस माइनस बी। तो सिंपल स्पेस में है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ b घटाना है तो b का एलिमेंट कौन है तो 4, 5, 6 इसको अगर हटा देंगे 4, 5, 6 तो देखो 1, 2, 3 तो देयर फोर ए इंटरसेक्शन बी का निगेशन या कॉम्प्लीमेंट निगेशन ऑफ बी भी पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी पढ़ते हैं, किसी किसी बुक में बी के कॉम्प्लीमेंट के जगह पर बी डैश लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको भी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी या निगेशन ऑफ बी, माइनस नहीं देता है या तो बार लगा रहेगा या डैश रहेगा। तो सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3 आगे इंटरसेक्ट किसे करना है 1, 2, 3 इसके इंटरसेक्शन में देखो कौन आया जो दोनों में कॉमन है तो 1, 2 तो यहाँ देख रहे हैं कि ए माइनस बी निकाले इसको भी एक कहो और इसको टू कहो, तो देखो कि दोनों सेट इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब है ए माइनस बी और इसमें क्या पढ़ते हैं कि एक के हुए सभी एलिमेंट जो बी के एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट ऑफ द सेट ए विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, अगर ये इवेंट हो जाए तो घटना ए घटे लेकिन बी नहीं घटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए व्हेन बी है बी डज नॉट ऑकर, तो घटना ए घटे लेकिन बी नहीं घटे, तो ये हो गया ए माइनस बी। यहाँ भी लगता है कि ये घटना घटे लेकिन बी नहीं घटे, दोनों एक ही चीज़ को निरूपित कर रहा है,
इसलिए कहा कि दे आर फोर, हम लोग अगर ऐसे भी लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ये किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ दोनों के बीच हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है कि प्रूफ करके दिखलाते हैं। माइनस पी ए इंटरसेक्शन, देखो ये कैसे होता है, इसको एक वेन डायग्राम थोड़ा बनाओ तब समझ में आएगा। अब हम लोग को इधर सेट ऐसे लिख दो, हम बार बार बोल रहे हैं सेट माने फैमिली भी कहते हैं, तो एक परिवार है, दूसरा परिवार है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे चाचा का परिवार है, तो मामा बाबा दोनों में कॉमन है। यहाँ से एक का एलिमेंट कौन सा दिया है, तो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ देख रहे हैं अब बी में दिया फोर फाइव सिक्स, तो फोर दोनों में कॉमन आ गया और वन टू थ्री सिर्फ इस सेट ए में आ गया और बी में कौन बच गया, तो फोर फाइव सिक्स, तो फोर तो लिखिए दिए कॉमने है फाइव और सिक्स। तो यहाँ देखिए सैंपल स्पेस में हमको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इतने है, तो जो सब सेट के भीतर भर ले है तो खाली सैंपल स्पेस लिखकर लिखो। तो यहाँ से देखिए पी ए माइनस बी निकाले कितना आया, तो वन टू थ्री उधर निकाल के हम दिखा चुके हैं, वन टू थ्री। अब यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आया, तो विटीज कॉमन टू फोर तभी है, और बी माइनस ए कहे तो फाइव सिक्स है, बी माइनस ए कहेगा तो इसमें फाइव और सिक्स इंटू फोर है। अब यहाँ से देखो ए यूनियन बी निकाल ये हो गया एन ए बाई एन एफ, ए में देखो कई गो एलिमेंट है, तो वन टू थ्री फोर थ्री हो गया फोर बाई सिक्स, ई आ गया टू बाई सिक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस हो गया एन ए माइनस बी बाय एन एफ, ए माइनस बी में कई गो एलिमेंट है, तीन गो, टी हो गया थ्री बाई सिक्स आ गया वन बाई टू। टी ए इंटरसेक्शन बी निकाल, सही हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एफ, तो ए इंटरसेक्शन बी में कई गो एलिमेंट है, तो वन थ्री हो गया वन बाई। तो यहाँ देखिए बी ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, से देखो इसको मैं that
कंसर्न सेक्शन बी है 1/6 एल सी एम हो गया 6 × 4 माइनस 1 करके खुल जा गया 3/6 ये हो गया 1/6 ये माइनस बी निकालने तो देखो कितना 1/2 तक इक्वल आ गया एयर फोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी तो ये हो गया पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन इस हम आपको प्रोबेबिलिटी निकाल करके दिखलाए जो इस दोनों का वैल्यू एक ही आ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि घटना ए घटित लेकिन घटना बी घटित नहीं हो इसकी प्रोबेबिलिटी जब हमको जानना है तो घटना ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और इसको कहते हैं समय जेनियस ऑकरेंस ऑफ इवेंट घटना ए और बी साथ साथ घटित हो। अब इस डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से ही आपको समझा दिए हैं। दूसरा अगर ऐसे समझना चाहो तो क्यों एक रास्ता और समझा देते हैं यहाँ से देखते क्योंकि ए माइनस बी इज इक्वल टू इसमें कौन कौन आया तो 1, 2, 3 ए इंटरसेक्शन बी इसमें आ गया। अब ये कैसा सेट इवेंट है घटना है इस दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हेयर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो हेयर फोर तो हम लोग कहेंगे कि ए माइनस बी एन ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एम यू पी यू ए डबल एल का एक्सक्लूसिविटी एक्ट सी एल यू एस आई बी एच। अब देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक यहाँ से देख रहे हैं कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो ए माइनस बी में है 1, 2, 3 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में तो ये है तो इसका यूनियन करेंगे तो ये हो गया 1, 2, 3 और तो यहाँ से देखो ये 1, 2, 3, 4 कौन सा सेट आ गया ये आ गया ए कैसा घटना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और हमको इसके यूनियन का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये तो हो गया पी ए प्लस पी बी पी
ए माइनस बी और प्लस बी ए इंटरसेक्शन। अब देखो रियर फोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल, इसको इधर ले हो गया पी ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन। अब देखो ई का हाल दैट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीटमेंट घटना, ए घटे या बी नहीं घटे कारण दोनों इक्वल होता है। ऐसे भी सवाल में रहे तो जवाब दे सकते हो क्या ऐसे रहता हूँ बी ए की बात बी ए इंटरसेक्शन। सिमिलरली सिमिल ए आर एल अगर हमको कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन घटना ए नहीं घटे लेकिन बी घटे तो यूनियन में इसको लिख देना बी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ ए। तो आप देखो ई घटे ई नहीं घटे ए घटे बी नहीं घटे तो पहले को लिखे पी यहाँ बी घटना चाहिए तो पी बी और इसका इंटरसेक्शन घटा दो तो पी ए इंटरसेक्शन घटना भी घटे लेकिन ये नहीं घटे। कल इसके रिलेटेड एक फार्मूला और समझा देंगे तब कल बताते हैं एक आदमी को समझा करके आपको ट्वेल्थ का भी इसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझाना है। कल भर अगर आप समय हमको देते हैं तो परसों से आपका हम अगले एक पीरियड बाद एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा तब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट ये सब समझा देंगे और तब बेस थ्योरम तो तुरंत समझ में आ जाता है। वो हमारी जिम्मेवारी है आप रेगुलर क्लास देखते रहिए समझ में आया तो कम से कम लिख करके तो भेजो जहाँ सर जी अच्छा लगा समझ गए।